नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। नैनीताल से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई है, अब स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अगर बंदर आपके इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके हैं तो कैसे उनसे बचना है, उसकी शिकायत अब वन विभाग नहीं सुनेगा। नैनीताल की बात करते हैं। नैनीताल में अतिक्रमण के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। एक मकान आज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो तो गनीमत रही कि दिन के वक्त हादसा नहीं हुआ। दिन के वक्त ही ये हादसा हुआ, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। नैनीताल में भयंकर लैंडस्लाइड, भरभराकर गिर गया मकान। पर्यटक नगरी नैनीताल का ये मंजर है जहां पलक झपकते ही एक विशालकाय मकान ढहकर मलबे के ढेर में बदल गया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो दहशत से भर गया। पल भर में जमीन हिली और पूरा का पूरा घर पलटी खाते हुए नीचे की तरफ आया। एक कच्चे मकान को पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद नीचे के घरों पर गिर गया। इसके बाद उस मकान के केवल अवशेष ही बच गए, क्योंकि ईंट सीमेंट और सरिया की नींव पर खड़े ये मकान मलबे में तब्दील हो चुका था। मौके पर धुएं का गुबार दिखने लगा। मकान के गिरने से पहले क्या हुआ वो अब देखते हैं। जहां पर यह मकान खड़ा था उसकी नींव हिलती जा रही थी, क्योंकि घर के ठीक नीचे की जमीन तेजी से खिसक रही थी, मिट्टी अपनी जगह छोड़ती जा रही थी। कुछ वक्त पहले तक इस जगह की मिट्टी को पेड़ पौधों ने रोक कर रखा था, लेकिन हाल ही में हुई बारिश के बाद हालात खराब हो गए और मिट्टी का कटान शुरू हो गया। पिछले दिनों हुई बारिश का असर नैनीताल पर दिख रहा है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। बीडी पांडे अस्पताल के पीछे वाला ये इलाका है और एक बड़ी सी जो दीवार थी वो पूरी तरीके से नीचे ध्वस्त हो गई है। अच्छा, तो हम नहीं तो रहने की कोई जगह ही नहीं, जाने का कहीं ठिकाना नहीं, हमारा यही है बस। देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भी दहशत में हैं। ये देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पूरा ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है, ये घर बना हुआ था यहाँ पर, ये पूरी तरीके से मलुआ मिट्टी पत्थर यहाँ आ गया है। जो इनके घरेलू सामान सब था वो पूरी तरीके से दब गया है और इधर जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जो ऊपर वाला मकान है वो पूरी तरीके से खतरे की जद में आ गया है। मकान के ढहने के बाद कई घर उसकी चपेट में आए हैं। स्थानीय लोग इस घटना के बाद से सहमे हुए हैं और चेहरे पर अनहोनी की आशंका से घबराहट नजर आ रही है। अंचल ने जिस तरह के हालात झेले, नैनीताल में ही उस तरह का संकट दिखा है। और ये देख सकते हैं कि कुछ देर पहले सामने जो घर है वो गिरा है और ऊपर वाला इलाका जो है पूरा पूरी तरीके से संवेदनशील है और कई मकानों पर इसी तरीके का संकट दिख रहा है कि वो नीचे की ओर ना गिर जाएं, क्योंकि जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। कई मकानों को ऊपर वाले इलाके में खाली कराया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि जो ऊपर के साथ जो नीचे ये सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन घरों पर भी पूरी तरीके से खतरा है, क्योंकि जो ऊपर से लैंडस्लाइड होगा तो इन मकानों की तरफ भी खतरा हो, मलबा आने का खतरा है। और जो ये पूरा एक पहाड़ है, इसमें कम से कम 25 से 30 मकान ऊपर ऐसे हैं जो खतरे की जद में है। नीचे से मिट्टी जा रही है, बारिश अगर होती है तो ये मिट्टी अगर नीचे खिसकती है तो ये सारे घरों पर खतरा है। हालांकि प्रशासन की भी कमी है कि उन्होंने बनने दिया सारा का सारा, और बहुत चिंताजनक स्थिति है क्योंकि मिट्टी में दम नहीं है, पहाड़ में दम नहीं है, पेड़ भी गिरे हैं और मकान भी गिरा है, इलाका खाली करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति है। जहां पर यह भूस्खलन हुआ है उसके बेहद नजदीक बीडी पांडे अस्पताल भी है। कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में इसको चिन्हित कर लिया था, सभी लोगों को लिस्ट आउट कर, तब तक मकान गिरा भी नहीं हुआ था, उसी वक्त ही पहले ही खाली करा दिया गया था उसको। उसके पश्चात जैसे जैसे मौसम बीतता रहा, थोड़ा सा धूप आई, उसके बाद लैंड ने मिट्टी को थोड़ा छोड़ा, उससे संभवतः उससे वो मकान जो है, एक मकान जो था कि काफ़ी स्थिति में, खराब स्थिति में था, वो नीचे को आ गया। नैनीताल की बड़ी आबादी पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बारिश जारी रहती है तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लगातार ये बात कही जाती रही है कि
कि जो नैनीताल है वो संवेदनशील है, उसके बावजूद भी इन पूरे पहाड़ों में अवैध निर्माण बढ़ता रहा, लोग जो मिट्टी है उसके ऊपर मकानों को बनाते रहे और हालात आज आपके सामने है कि जो मकान है वो ताश के पत्तों की तरह गिरा है, भरभराते हुए गिरा है। और एक चिंता फिर नैनीताल के लिए देखे गया है कि आना वाला भविष्य अगर अवैध निर्माण बढ़ता गया तो इसी तरीके का हालात होंगे। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज 18, नैनीताल। अगर आपके इलाके में बंदर का आतंक है तो अब विभाग से आप शिकायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंदर की शिकायत के लिए अब आपको दूसरी जगह जाना होगा। क्यों, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बंदर का आतंक अक्सर देखने को मिल जाता है, जिनकी समय समय पर तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। अभी हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था, जहां बंदरों के आतंक से बचने के लिए लंगूरों के कटआउट लगाए गए थे। लेकिन अगर अब आपके इलाके में बंदरों ने जीना मुश्किल किया है, आप बंदरों से परेशान हैं, तो फिर उनकी शिकायत वन विभाग से नहीं की जा सकेगी, क्योंकि अब बंदर वाइल्ड एनिमल की लिस्ट से बाहर हो गया है। बंदरों के आतंक से निपटने के लिए कई बार वन विभाग नई नई तकनीक अपनाता हुआ नजर आता है, कहीं लंगूर के कटआउट लगाए गए तो कहीं दूसरा तरीका इजाद किया गया। बंदर रिहायशी इलाके में ना आ सके, लेकिन अब ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। आपके क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता है अगर, तो आप नगर निगम या फिर वन विभाग में शिकायत करते रहे हैं, लेकिन अब बंदरों की समस्या से त्रस्त है तो इसकी शिकायत के लिए दूसरी जगह जाना होगा। अब बंदरों से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए आप नगर निगम या नगर पालिका से ही संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं उनके शेड्यूल्स में चेंजेस किए गए हैं। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, दो शेड्यूल इसमें बनाए गए हैं, जिसमें जो देसी बंदर है, रिसेस मकाक जिसे बोलते हैं, उसको नहीं रखा गया है। इट मीन्स जो उसको वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, तो अब उसका जो संरक्षण है और सारी चीज़ें नगरीय निकाय, जो नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में और स्थानीय ग्राम पंचायतें उसको देखेंगी। बंदर और कुत्ता अब एक ही श्रेणी में आ गए हैं, हालांकि लंगूर अभी भी वाइल्ड एनिमल की लिस्ट में शामिल है। मेरठ में जिला वन अधिकारी के मुताबिक बंदर का संरक्षण नगर निगम नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के अधीन है, इससे जुड़ी समस्याओं का निराकरण भी नगर निगम नगर पालिका ही कर सकेंगे। अगर जंगल में किसी भी वन्य जीव विहार क्षेत्र में किसी को छोड़ना होता है, किसी भी पशु को, बीट वाइल्ड लाइफ बीट एनी एनिमल, उसको डॉक्टरी सलाह के उपरांत और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति के उपरांत ही उसको रिलीज किया जाता है, वो अनुमति अभी भी यथावत रही। अगर वन्य जीव विहार क्षेत्र में कोई भी पशु छोड़ना होता है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन लेनी पड़ती है। जंगल में कोई जंगली जीव को दिक्कत ना आए, इसीलिए ये कदम उठाया जाता है, लेकिन बंदर अब वन्य जीव नहीं रह गया है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज 18। पाकिस्तान में ब्रह्मांड सुंदरी को लेकर जंग छिड़ गई है। मालदीव में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की प्रतियोगिता हुई, इसके बाद एरिका रॉबिन की ताजपोशी भी हुई, लेकिन अब वहां की सरकार और कट्टरपंथियों को यह पसंद नहीं आ रहा। खुफिया एजेंसी SI जांच कर रही है, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में मिस यूनिवर्स पर मचा बवाल। सुंदरी के पीछे पड़ी ISI और सरकार। टीवी स्क्रीन पर दिख रही है पाकिस्तान की एरिका रॉबिन है, जो हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है। ताजपोशी के बाद जहां वो प्रशंसा की पात्र थी, लेकिन इसके बजाय वो अपने ही देश में बुरी तरह से घिर चुकी है। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजर रहा है और इसलिए उन्हें अब मिर्च लग गई है। नवंबर के महीने में मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होगी, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों की सुंदरियां अपने जलवे दिखाने को बेकरार हैं। ये प्रतियोगिता अल सल्वाडोर में होने जा रही है,
लेकिन एरिका के खिलाफ पाकिस्तान में मचे हो हंगामे के बीच अब आशंका जताई जा रही है, जिससे उनके मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होने पर भी सवालिया निशान लग गया है। दरअसल मालदीव में 14 सितंबर के दिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मिस यूनिवर्स के लिए चुने जाने वाले कॉम्पिटिशन में एरिका रॉबिन ने पहला स्थान हासिल किया, यानी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज एरिका रॉबिन को मिला था। इस प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन एरिका की उपलब्धि पर पाकिस्तान में संग्राम छिड़ा हुआ है। उनके अपने ही देश में उसे पराया महसूस कराया जा रहा है। कट्टरपंथी जमकर मुखालफत कर रहे हैं। विरोध करने वालों में केवल मजहबी नेता ही शामिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकर भी है। पाकिस्तान को ब्यूटी पेजेंट किसी शर्म की तरह दिख रहा है। सब मिलकर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका के पीछे पड़ गए हैं और खुफिया एजेंसी ISI को जांच करने को कहा गया है। सरकार ने देश की खुफिया एजेंसी से प्रतियोगिता के आयोजकों की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। उनका कहना है कि सरकार की मंजूरी के बगैर देश के नाम पर प्रतियोगिता कैसे कराई गई। प्रधानमंत्री ने मालदीव में हुई प्रतियोगिता के आयोजन को शर्मनाक और पाकिस्तान की महिलाओं का अपमान तक बता डाला है। पाकिस्तान की राजनीति पर गहरा प्रभाव रखने वाले मुल्ले मौलवियों का कहना है कि एरिका ने पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया। पाकिस्तान में सूचना और प्रसारण मंत्री मुर्तजा सोलंगी के मुताबिक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व देश की सरकार और सरकारी संस्थान करते हैं। हमारी सरकार ने ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी गैर मुल्क और गैर सरकारी शख्स या संस्था को नामित नहीं किया है। पाकिस्तान में एरिका पर मचे बवंडर से वो काफी दुखी है, क्योंकि ताज जीतने के बाद सोशल मीडिया पर एरिका ने अपनी बात भी रखी थी। उसने पोस्ट किया था, वो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनकर सम्मानित महसूस कर रही है। मैं पाकिस्तान की संस्कृति और सुंदरता को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। मैं हर किसी को पाकिस्तान देखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। एरिका ने पाकिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा पर भी बात की थी। एरिका ने लिखा, पाकिस्तान में दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या है और मैं इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करूंगी। मिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी की प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन अब एरिका के मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर ही संशय खड़ा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनकी राह के आड़े आ गई है। जानकर हैरानी भी होगी कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी सोच वाले देश में महिलाओं की कैसी हालत है। पाकिस्तान ने आज तक कभी भी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू सिटी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर हायतौबा मचाने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भी विवादित बयान देने में पीछे नहीं हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर अपशब्द कहे हैं। उदय भान ने एक कार्यक्रम के दौरान एक विवादित बयान दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान इतने भद्दे हैं कि हमें उनके बयान का ऑडियो डाउन करना पड़ा। उदय भान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि घर परिवार क्या होता है। राज कर रहा है उसने जीते जी अपने पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना, तो ये इस तरह का हो रहा है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।